अगर मुझे नाजायज तरीके से आपको हासिल करना होता ना अफ्ता, तो ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं किसी और के हक पे डाका डालूं। अरे तुम उसके हक पर क्यों डाका डालोगी? उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? और मैंने कब वादा किया तुमसे कि मैं तुमसे शादी करूंगा? कभी ये तक कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? किस वजह से मेरे पीछे पड़ी हुई हो तुम? असल बात यह है कि तुम जलती हो मुझसे, मेरी खुशियों से। तुम मुझे खुशी नहीं देखना चाहती हो अलीजे के साथ, और तुम्हें तकलीफ हो रही है कि मैं कैसे अलीजे को अपना रहा हूं। मुझ पे इल्जाम ना लगाए। अगर ये इल्जाम नहीं है तो फिर क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों आई हो यहाँ पे? चली जाओ ना यहाँ से। लेकिन सच ये है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और यही मोहब्बत तुम्हारी मजबूरी बना हुआ है, इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा रही। वैसे अफनान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। कैसे ना होती भी, मोहब्बत ही बहुत की है मैंने तुमसे। मोहब्बत तो मैंने भी तुमसे बहुत की है। अच्छा, साबित कर। क्या कहते हो? अच्छा ही, देखो तुम्हारा नाम भी लिखवाया मैंने। अरे हाँ, लेकिन तुम्हारे हाथों में मेरा नाम तो शुरू से लिखा। धोखा मुझे यार से मेरा, मुझे यार से मिला है, धोखा मुझे यार से मिला, ओ धोखा मुझे यार से मिला। हर तरफ देखो तन्हाई, हर तरफ देखो रुसवाई, छोड़ा है वैरों ने अपनों ने करके बेकरार। रिमशा बेबी, आपके लिए कासिम साहब ने ड्रेस भिजवाया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा ड्रेस है। लेकिन लेकिन क्या पसंद नहीं आया तुम्हें? आपने भिजवाया था तो कैसे पसंद नहीं आता? बहुत अच्छा है। लेकिन लेकिन क्या बेटा? मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँगी शादी में आके। मेरा मतलब है कि मैं वहाँ पे किसी को भी नहीं जानती, बोर हो जाऊँगी वहाँ अकेले। आप लोग चाहेगा ना आराम से मैं घर पर रह लूँगी हमेशा। अच्छा, किसी को नहीं जानती, पर तुम शादी में जरूर शिरकत करनी चाहिए। अरे वो मिलोगी तो जानोगी ना, दिल लगा रहेगा तुम्हारा। और खानदान में तुम्हारी उम्र की बहुत सी बच्चियां हैं, मैं उनसे कहूंगा वो तुम्हें साथ रखे, तुम बोर नहीं होने देंगी। वो देखो बेटा, लोगों से मिला करो, ऐसे तुम्हारा दिल बहला रहेगा ना। अगर तुम घर में अकेली रहोगी तो मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ लगा रहेगा। क्या कहती हो? ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं चल लूंगी। हाँ, और मुस्कुराया करो, मुस्कुराना तो शुक्रगुजारी की अलामत है। ऐसे जीती रहो। थैंक यू। शाबाश। Thank you.
ये क्या तुम रो रही हो? अपने महबूब को किसी और की बाहों में बैठा हुआ देख के रोना तो आता है, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मैं तो तुम्हारी दिलजोई कर रहा था। देखो अगर तुम चाहो तो मैं ये शादी तोड़वा सकता हूँ। जानती शादियां तोड़वाना तुम्हें बहुत अच्छे से आता, तुम्हारे सीधे हाथ का खेल जो है। लगता है तुम्हें तो अपना वक्त याद आ गया। वैसे वो जो कजन था ना मेरा नबील, बहुत खुश है आजकल, शादी हो गई है उसकी, बल्कि अब तो बच्चे का बाप भी बनने वाला है। बहुत ही घटिया इंसान। घटिया नहीं हूं मैं, घटिया होता ना तो तुम्हारे थप्पड़ का जवाब उसी वक्त दे देता। मैं कमीना हूं। कमीना इंसान अपनी कमीनगी जरूर दिखाता है। पलट के वार करता है। सुनो तो, अरे नाराज हो गई। रमशा बेटा सब खैरियत है? तुम इस तरह अकेले क्यों बैठी हो? मामूजान इतने सारे लोग हैं ना, मेरा दिल घबरा रहा था, बस इसीलिए यहाँ पे आके। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी जी मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। इतने सारे मेहमान आए, मैं आप मेहमानों को टाइम दे, मैं ठीक हूँ। अच्छा वो तो मैं देख लेता हूँ मेहमानों को, तुम भी आ जाओ। हाँ आज तो मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, नजर उतार ली है मैंने तुम्हारी। थैंक यू सो मच मामा। सो दैट्स सो अनफेयर पप्पू। आपको आज भी अपनी बेटी प्यारी लग रही है? मतलब मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा क्या? मेरा भतीजा तो सबसे प्यारा है। थैंक यू, सुन लिया तुम लोगों ने? रमशा रमशा वो रशीदा कहाँ है? मैंने उसके पास अंगूठी रखवाई थी, जरा देखो तो सही। जी रमशा देखो तुम पर ये ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है। मामा मैंने आपको कहा था ना रमशा पे ये जोड़ा बहुत अच्छा लगेगा।
क्यों आसान? अच्छा लग रहा है ना ये जोड़ा रमशा पर? रमशा पे अब अपनी दुल्हन के होते हुए ये किसी और लड़की की तारीफ करे तो तुम खामखा शक में पड़ जाओगी। मैं क्यों शक करूंगी अफनान पर? ये जैसा है मेरे सामने, है ना अफनान? Of course. बस वो राह चलती लड़की को लेकर भाईजान घर आ गए हैं। भाई हमने तो इतना समझाया कि कोई ऐसे राह चलती लड़की को कौन लेकर आता है, लेकिन बस क्या कह सकते हैं, भाईजान के सामने तो हम कुछ बोल भी नहीं। जाके तुम सारी मिठाई ना स्टेज पे रखो। यही तो है वो लड़की जिसको भाईजान ने घर में रखा हुआ है। तुम लोग तो जानते हो भाईजान गरीबों का कितना ख्याल रखते हैं। ये जो जोड़ा पहनी हुई है ना, ये भाईजान ने इसको दिलाया, बहुत महंगा जोड़ा है। भाई मैंने तो भाईजान को कहा था कि अलीजे के इतने सारे कपड़े पड़े हैं जो वो एक दफा के बाद दोबारा पहनती नहीं है, वो दे दें इसे पहन लेगी। लेकिन नहीं, भाईजान ने माना ही नहीं, आखिर इसे इतना महंगा जोड़ा दिला ही दिया। तुम लोग तो जानते हो ये जो गरीब लोग होते हैं इन्हें इतने महंगे जोड़े पहनने की आदत होती ही कहाँ है। हाँ भाई अफशीन, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम दोनों बहन भाई वाकई बहुत नेक हो जो तुम इस गरीब लड़की को ना सिर्फ सहारा दिया बल्कि इसके बारे में इतना सोचते हो। मेरी आदत से कितने वाकिफ हो तुम लोग, मुझसे ना दूसरों का दुख देखा ही नहीं जाता। आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। खैर तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग शादी में आए, इतना वक्त निकाला। भाईजान काजी साहब आ गए? नहीं, वो निकाह रजिस्ट्रार आ गए हैं। अफनान का निकाह पढ़ाने की सआदत मैं खुद हासिल करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि अगर बाप अपने बेटे का निकाह खुद पढ़ाए और इसी तरह बाप का जनाजा बेटा पढ़ाए, इतना इल्म तो होना चाहिए दीन का। तो तुम्हारी तरफ से अगर इजाजत हो तो शुरू करें। भाईजान आपने बहुत अच्छी बात की और अल्लाह करे ऐसा सब सोचे, आपको अल्लाह जिंदगी दे। आइए प्लीज। इजाजत लेते हैं ना, नीचे आइए, तो सीधे बैठो बेटा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अलीज़े अहमद वल्द निसार अहमद, हम आपका निकाह अफनान अली वल्द कासिम अली से 5 लाख रुपए सिक्का इराजुल वक्त तय कर रहे हैं, क्या आपकी तरफ से इजाज़त है? जी इजाज़त है।
दिमाग है? रमशा बीबी, रमशा बीबी, रमशा बीबी, रमशा बीबी, हमारे माहौल को समझने में कुछ वक्त लगेगा। तुमने इस तरह उस पे हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। कहाँ जा रहे हो तुम? एक पार्टी में जा रहे हैं। दोनों जा रहे हो? ऑब्वियसली हम दोनों ही जाएंगे ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे मिजाज के साथ किस तरह चलूंगी सलमान। ना तो मैं खुद इतना मुश्किल हूँ। क्या बात है रमशा, तुम गिर कैसे गई? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अच्छा तुम ठीक हो ना बेटा? डॉक्टर पे चलते हैं, ठीक है? नहीं नहीं मैम, मुझे बस घर जाना है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं लग रहा है मेरा दिल बंद हो जाए। अल्लाह खैर। अब ऐसा करते हैं, डॉक्टर पे चलते हैं। तुम ड्राइवर से कोके गाड़ी निकाल। मामूजान नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, आप प्लीज मुझे घर भिजवा दे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अभी यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं ना। मैं घर जाके आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। आप प्लीज गाड़ी लगवा दे, मैं घर चली जाती हूँ। भाईजान मेरा ख्याल से मैं ड्राइवर को कहती हूँ कि इसे घर छोड़ा है। हाँ तो ऐसा करो कि ये तबस्सुम को भी भेज दो साथ में, ठीक है? ठीक है। हाँ मैं जरा ड्राइवर को देखती हूँ। हाँ देखो बेटा ध्यान से, अच्छा आराम से टेक लगा लो, टेक लगाओ। ये पानी पानी नहीं, आराम से खैर खैर बिस्मिल्लाह पढ़। मैंने तो सुना था कि शादी की रात दुल्हन बहुत ज्यादा शर्माती है, अपने दूल्हे से नजरें नहीं मिलाती है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा हो रहा है। इतनी कैजुअल चेंज करने वाली हो और शर्मा तो बिल्कुल भी नहीं रही। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं शर्माऊं जैसे नई नवेली दुल्हनें शर्माती हैं, पर मुझसे ये सब नहीं होगा अफनान। हम दोनों ने इतना वक्त साथ गुजारा है कि मुझे तुमसे कोई शर्म कोई झिझक है ही नहीं। और अगर तुम्हें इतनी ही शर्मीली लड़की चाहिए थी तो कर लेते ना किसी और से शादी। वैसे अफनान एक बात तो बताओ। पूछो। तुम्हें कभी मेरे अलावा किसी और लड़की से मोहब्बत हुई? मतलब हम इंसान हैं, मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है, उस पर तो किसी का इख्तियार नहीं चलता। क्या हो गया तुम्हें? ये कौन सा वक्त है ये सब सवाल करने का? अफनान बताओ ना, तुम्हें कभी किसी और लड़की से मोहब्बत हुई है? नहीं नहीं, मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचा ही नहीं। रहा सवाल मोहब्बत का, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत किया।
सिर्फ तुमसे। तुम सच कह रहे हो? तुमने वाकई कभी किसी और लड़की को नहीं चाहा? क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल सच कह रहा हूं, और आज हमारी स्पेशल रात, तो मैंने सोचा। ये तुमने कब खरीदी? बात यह है कि जस्ट बिकॉज वी कजिन्स, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी हर बात, हर सीक्रेट तुम्हारे साथ शेयर करूं। अब वैसे भी अगर तुम्हें बता देता कि ये खूबसूरत अंगूठी तुम्हारे लिए खरीद रहा हूं, तो तुम्हारे लिए सरप्राइज तो ना रहता ना। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है, तुमसे ज्यादा नहीं। अफ़दान, बैठे ना। आप हाथ गिफ्ट का है मेरा। मैडम, ये जो फ्लावर्स लेकर आया हूँ, ये गिफ्ट ही है आपका। ये? हाँ। फ्लावर्स नहीं चाहिए मुझे, ये कल तक मुरझा जाएंगे। अरे वाह, बात है वैसे, कभी कभी बड़ी लॉजिकल बात करती हो। ये फूल तो कल तक मुरझा जाएंगे, तो फिर एक काम करते हैं ना, मुझ पर तुम्हारा गिफ्ट ड्यू होगा। सुनो, ये चूड़ियां तुमने कहां से ली? बहुत अच्छी हैं। चूड़ियां तो कांच की हैं। हाँ, कांच की हैं तो क्या हुआ, अच्छी तो लग रही है ना। बड़ी बात है, कांच की चूड़ियां किसको पसंद होती हैं? आपको पसंद है वैसे? मुझे लड़कियों की कलाइयों में चूड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम्हारे हाथों में ना बहुत खास लग रही है। वो मेरे अम्मी अब्बू मेरी शादी करना चाहते। तुम्हारी शादी? लेकिन क्यों इतनी जल्दी क्या है उन्हें? हमको समझाओ, उनसे कहो कि तुम अपनी एजुकेशन रिज्यूम करना चाहती हो, इसलिए अभी तुम शादी नहीं कर सकती। मैं तो समझा के भी थक गई, वो लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, रिलैक्स, इतनी जल्दी इतना स्ट्रेस मत लिया करो। भाई तुम उनसे कहो कि तुम आज के दौर की लड़की बनना चाहती हो, एक ऐसी लड़की जो स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, वेल एजुकेटेड हो, अपने कदमों पर खुद खड़ी हो सकती हो। आई एम श्योर वो मान रहे। साया वे क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया, वे करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मिला, यार से मिला, ओ धोखा मुझे यार से मिला।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अरे रमशा बेटा, तुम इस वक्त यहाँ क्यों खड़ी हो और तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है? तुम तो लग रहा है रात भर सोई नहीं। कैसे सो मामू जान, नींद ही नहीं आती है, पूरी पूरी रात जागती रहती हूँ। जिंदगी से सुकून खत्म हो चुका है। आप अल्लाह की इबादत करते हैं ना, बहुत दीनदार है। आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे सुकून दे। अल्लाह आपकी सारी दुआएं सुनता है ना। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरी के फैसले फरमाए, लेकिन ये बात जो तुम मुझसे कर रही हो, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से करो। तू समीउ अलीम है, सब जानने वाला है, सबकी सुनने वाला है। तुम वहां करोगी तुम्हारी भी सुन ले। मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, मैंने तो बहुत गुनाह की, मैं कैसे अपने लिए दुआ कर सकती हूँ? मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर सुनेगा। करेंगे ना दुआ इंशाल्लाह। तुम्हें पता अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात टूटे हुए दिल में ही तो रहती है, और टूटे हुए दिल की सदा ही तो दुआ है। वैसे कभी तुमने सोचा है कि तुम्हें सुकून क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि तुम भी मेरी तरह अल्लाह को तो मानती हो, बट अल्लाह की नहीं मानती। पता है, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक मांगते हैं नमाज में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में। अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा है ना, और कोई भी शख्स का कोई भी बंदा जब सच्चे दिल से तौबा इस्तगफार करता है, ये सारी गलतियां गुनाह धुल जाते हैं। पता है कैसे? जैसे कपड़ों को धोते ना अच्छी तरह निचोड़ के, या बर्तनों को मांजते हैं राख से या किसी डिटर्जेंट और पाउडर से, ऐसे जो आंसू तुम्हारी आंखों में चमक रहे हैं इसी तरह सारे दाग धो देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात दो आंसू भी किसी की आंखों में देखे तो बस इस्तगफार के दो नफिल भी अदा करे तो अल्लाह की जात तो माफ कर देती। आप सच कह रहे? अरे हाँ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे थे जो मेरे अरके इन्फाल के। थर के इन्फाल क्या है? नदामत का पसीना, नदामत के आंसू। अल्लाह ने तो तुम्हें नवाज रखा है इस दौलत से। दुआ करो अल्लाह मुझे भी नसीब करे। जीती रहो, ये आंसू ही तो दुआ की कबूलियत की सनद है, ये तो दुआ की कबूलियत की रसीद है। इन्हें अल्लाह के हुजूर पेश करो, उसे बहुत पसंद है ये आंसू। जीती रहो। या मेरे अल्लाह, तू बड़ा रहीम है, तू बहुत रहम करने वाला है। मेरे लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो गया, मगर तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तू कौन कहता फया कौन हो जाता है? अल्लाह पाक तुझे तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, तू मेरी मदद कर, मेरे गुनाहों को माफ कर,
जानती हो मैंने बहुत गुनाह किए, तेरी नाफरमानी की, तेरा कहा नहीं माना। मैं जानती हूँ मैं बहुत गुनहगार हूँ, सयाकार हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे अल्लाह, मुझे माफ कर दे।